हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर फ्रॉम आसनसोल। आप लोग लॉकडाउन में थोड़ा बोरिंग फील कर रहे होंगे, तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो एडवांस मैथ में थोड़ा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ के अंदर अलजेब्रा में एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ज़ीरो कॉन्सेप्ट। हम लोग आज उसको समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे और जिनसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके लिए अलजेब्रा में दो छोटी चीज़ें होती हैं, उनको पहले समझना ज़रूरी है। ठीक है, एक होती है एक्सप्रेशन, एक होता है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, तो जिसमें केवल एक साइड का वैल्यू दिया हुआ। जैसे आप देख रहे हैं 5x-3, एक्सप्रेशन के नीचे लिखा हुआ 5x-3। ओके, तो 5x-3 में केवल LHS का वैल्यू, एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है और अदर साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। और इक्वेशन क्या होता है, जिसमें दोनों साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे वही सेम चीज़ यदि लिखा आ जाए 5x-3 और इक्वल्स टू बराबर क्या लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे इक्वल्स टू के साइड में बराबर में अदर साइड का भी वैल्यू दिया हुआ है, RHS बराबर 8 दिया हुआ है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। तो आप लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू लगा हुआ उसे इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और जिसमें इक्वल्स टू नहीं लगा हो उसको सिंपली एक्सप्रेशन बोलते हैं। और एक्सप्रेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे ये 5x-3 मान लीजिए आप लेते हैं, तो 5x में 5 जो है ना, इसको बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ x। ठीक है, 5 को क्या बोलेंगे, कोफिशियंट ऑफ x। ठीक है, 5, ठीक है, 3 क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, 3 का मान 3 ही रहेगा हमेशा, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे x जो है उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, एक्स का मान आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, एक्स का कोई फिक्स मान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स को यहाँ पे क्या नाम दिया जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, ओके, तो ये दो चीज़ें समझने के बाद हम लोग अब जीरो कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। इक्वेशन समझ में आ गया, तो जीरो कॉन्सेप्ट का रूल क्या है ना, कि जहाँ एक इक्वेशन हो तो उसके साथ में एक से ज़्यादा वेरिएबल रहेगा, मोर देन वन वेरिएबल, तब ये एप्लीकेबल होगा। वही दूसरी ओर यदि दो इक्वेशन हो तो दो से ज़्यादा वेरिएबल होना चाहिए, तीन इक्वेशन हो तो तीन से ज़्यादा वेरिएबल होना चाहिए, चार इक्वेशन हो तो चार से ज़्यादा वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे x प्लस वाई एक इक्वेशन है, ठीक है, बराबर 6 लिखा हुआ है, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे जीरो कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए 5x-3 = 8, यहाँ पे भी एक इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल कितने हैं, केवल और केवल x है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। और ये आसान भी होता है, इसमें जीरो कॉन्सेप्ट का जरूरत भी नहीं है, आप इसको जल्दी से निकाल भी सकते हैं। ये -3 उधर जाएगा तो +3, x का वैल्यू होगा 11/5, तो इसमें कोई x जीरो कॉन्सेप्ट का जरूरत ही नहीं पड़ता, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, a/(1/1-a), b/(1-b), c/(1-c)=1। तो ये एक इक्वेशन है, पूरा का पूरा एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कितने, देखिए आप a, b और c तीन वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू किसका पूछा गया है, 1/(1-a) +1/(1-b) +1/(1-c) का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है यहाँ पे। तो अब जब तीन वेरिएबल होगा तो एक को छोड़ के आपको बाकी जो भी वेरिएबल्स है उसको जीरो आप बना सकते हो आसानी से। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कहीं नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे आप किसी वेरिएबल को आप जीरो बनाए और उसका पूरा वो वेरिएबल जीरो बन के पूरा वैल्यू को नीचे में जीरो कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे में वैल्यू जीरो आने से वो चीज़ें अनडिफाइन हो जाती हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है, इसमें चलिए हम मान के चले कि बी और सी को यदि हम जीरो बना देते हैं। ठीक है, तो बी और सी को जैसे ही आप जीरो बनाओगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हो गया, क्योंकि आप सी का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ऊपर में जीरो आ गया, नीचे में जीरो रखेंगे। ठीक है, तो 1-0 तो 1 ही होता है, तो नीचे में यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप 1-0 1 होगा, तो नीचे में जीरो नहीं आया, ऊपर में जीरो आ सकता है, तो ये पूरा का पूरा जीरो बन गया। यहाँ पे भी बी का वैल्यू यदि जीरो रखें तो ये जीरो,
वन माइनस जीरो तो वन होगा नीचे, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें आप। तो ये पूरा का पूरा जीरो बन गया। तो फाइनली एक वैल्यू ही मेरे पास बचा, ए बाई वन माइनस ए। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ए बाई वन माइनस ए बराबर वन, तो ए का फाइनली जो वैल्यू आएगा वन माइनस ए, ठीक है, तो टू ए बराबर वन, तो ए बराबर कितना, वन बाई टू। तो यहाँ पर भी आप जैसे जो वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा गया है उसमें ये लगा सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर आप सी को जीरो रखेंगे तो वन बाई वन, वन बाई वन मतलब वन, यहाँ पे बी को आप जीरो रखेंगे तो वन बाई वन मतलब वन, और ये वन बाई वन माइनस ए का वैल्यू आप निकाल चुके हैं वन बाई टू, तो वन बाई टू को पुट करें तो ये पूरा इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो टू आ जाएगा, तो टू प्लस वन यानी फोर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, और आपको पता करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही इक्वेशन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तीन वेरिएबल्स है ए बी और सी, और आपको आंसर जो निकालना है वो ए और बी के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी का, ठीक है, तो आप यहाँ पे सी को पहले तो आप जीरो बना दो, क्योंकि आंसर में जो आपसे पूछा गया उसमें सी मौजूद नहीं है, तो सी तो ऑटोमेटिक जीरो हो गया। तो सी जैसे ही आप जीरो बनाते हो तो ए प्लस बी बराबर जीरो, ठीक है, ए प्लस बी बराबर जीरो हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं ए प्लस बी बराबर जीरो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, ए बराबर हो गया आपका माइनस बी, या बी बराबर माइनस ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जस्ट जो आपसे पूछा गया उस पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखेंगे, यदि बी को हम ए के टर्म्स में बदल दे तो बी बराबर ए माइनस ए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह माइनस ए का स्क्वायर जब आप करोगे तो ए ये स्क्वायर करने पर ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यानी टू ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, टू। तो ये सवाल का उत्तर हो गया टू। तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी लेंदी वे में सॉल्व होते हैं, उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है जीरो कॉन्सेप्ट के मेथड से। ठीक है, ध्यान